সবাইকে আওয়াজ তুলতে হবে ধন্যবাদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী জি ম্যাডাম I rise to support the Constitution Scheduled Caste and Scheduled Tribes Order, Second Amendment Bill 2022. During the introduction of the bill, I took it a serious exception that the way the government has been bringing one after another bill for reservation does not behove the constitutional parameters of our country. That day also I proposed that government should bring forward a comprehensive legislation in so far as reservation is concerned. Madam, the fact is that India is a kaleidoscope of tribal population, because in the world the largest tribal population belongs to our country. From Andaman se lekar Arunachal, yahan Riju ji bhi hai, Arunachal jaiye, मिजोरम जाइए, नागालैंड जाइए, 90% से ऊपर नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल की 90% से ऊपर हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन। उधर अंडमान जाइए, मतलब म्यांमार की बगल तक हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन। लेकिन आज की तारीख में ट्राइबल बेल्ट ये कहने से जो दृश्य हमारा सामने आते हैं वो क्या है? भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा और सेहत की हालत ऐसा ही, गरीबी और भूखमरी की जो चेहरा हमारा सामने आता है, जो नजारा होते हैं, इससे ये साफ हो जाते हैं कि अभी हम लोग ट्राइबल पॉपुलेशन की बात तो करते हैं लेकिन उनके लिए जो सुविधा मुहैया कराना चाहिए ये जमीनी हकीकत में तब्दील नहीं होते। आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में 8% से ज्यादा, मतलब 8.6% के आसपास ट्राइबल पॉपुलेशन है। नीति आयोग ये कहते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन कहिए, ये शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कहिए, इसकी जो आबादी है, इसकी आबादी की जो आंकड़े, इसके मुताबिक इनको राशि आवंटित किया जाना चाहिए। लेकिन आपकी बजट पे चाहे ट्राइबल हो चाहे शेड्यूल कास्ट हो, यहाँ ये उनकी पॉपुलेशन की जो प्रोपोर्शन है इसके मुताबिक राशि आवंटित नहीं होते। इसलिए मान लीजिए कि ट्राइबल मिनिस्ट्री में लगभग 9000 करोड़ से ज्यादा और शेड्यूल कास्ट मिनिस्ट्री में 40000 करोड़ से ज्यादा शॉर्टफॉल हमें देखना पड़ता, तो ये हालत को सुधारना चाहिए। ट्राइबल पॉपुलेशन की इस बार भी ये जो 22-23 की बजट में भी आपको मिला है 8451 करोड़ रुपया, लेकिन ये प्रोजेक्टेड डिमांड क्या था? प्रोजेक्टेड डिमांड था 12050.06 करोड़ रुपया। इसके अलावा मैं और एक बात रखना चाहते हैं कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इसका हालात आप बताइएगा। हमारे सब सदन के सारे लोग ये जरूर मानते हैं कि एक समुदाय के उत्थान के लिए शिक्षा सबसे बड़ा जरूरी होते हैं। इसके लिए एकलव्य जो रेसिडेंशियल स्कूल, ये रेसिडेंशियल स्कूल को स्थापना करते हुए हम शुरू से ये एकलव्य स्कूल को और ज्यादा से ज्यादा विस्तार करने की पैरवी करते आ रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर 2021-2022 में यह सदन के अंदर ये वादा की थी कि 750 एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल की स्थापित किया जाएगा। आज तक बताइए कितना आप लोग एकलव्य स्कूल स्थापन किए हैं। मैं और एक आंकड़ा आपको देना चाहते हैं कि स्टैंडिंग कमिटी पॉइंटेड आउट दैट देयर आर नो फंक्शनल एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल इन बिहार, मेघालय, जम्मू एंड काश्मीर एज ऑफ मार्च 2021. Even the official MOTA data from August 2021 confirmed the same. तो इसका मतलब शिक्षा के लिए जो सुविधा मुहैया होना चाहिए ये आदिवासी लोगों को नहीं, हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन को नहीं मिलते हैं। हमारी सरकार ने क्रांति लाई थी, आप जानते हैं, राइट टू फॉरेस्ट। आप बताइए राइट टू फॉरेस्ट एक्ट के दौरान आपने कितने हिंदुस्तान के आदिवासियों को, शेड्यूल ट्राइब को अपने जमीन की अधिकार बांटे हैं। मैं आपको कहता हूं कि बिटवीन मार्च 31, 2019 एंड अगस्त 31, 2021 ओनली 36,580 लैंड टाइटल्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट अमंग द 20 स्टेट्स। मैडम, अमंग द 20 स्टेट फॉर व्हिच द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स प्रोवाइडेड डाटा, बीजेपी रूल स्टेट्स लाइक बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, गोवा वेयर द वर्स्ट परफॉर्मर्स
Bihar had distributed a mere 121 titled tweets people between March 2019 and August 2021. मैं और एक बात पूछना चाहते हैं मुंडा जी से, नेशनल शेड्यूल टाइप फिनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की हालत आप बताइए, किसकी कितने हमारे आदिवासी बच्चों को, आदिवासी लोगों को इसका सुविधा मिले हैं? बताइए आप, बताइए कि प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक में कितने आदिवासी छात्रों का पढ़ाने की मौका दिए हैं? बताइए आपकी फंड के जरिए कितने आदिवासी छात्रों का विदेश में हम आप भेज चुके हैं, ये बताइए। हाँ, यहाँ आके हम बड़े बड़े बात करने से नहीं चलेगा। आदिवासी लोगों के खिलाफ जो क्राइम और क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, मैं दिखाता हूँ कि क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल टाइप किस तरह की बढ़ते जा रहे हैं। जवाब देना दीजिए माननीय मंत्री जी। आपको देने का मतलब ये सबको रुका देंगे आप? इस तरीके के बर्ताव करेंगे तो हम क्या बात रखेंगे, कैसे बात रखेंगे? पहले बोल सकते कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, पहले अगर बोलते तो नहीं बोलते भाई। बस भाई लास्ट पर आते हैं, एक मिनट। क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल टाइप्स क्लाइम बाई 9.3% टू 8,272 केसेस इन 2020। इन According to the National Crime Records Bureau, the judiciary pendency rate of cases under Scheduled Caste and Scheduled Type Prevention of Atrocities Act was 96.5% in 2020, according to the National Crime Records Bureau. A series of incidents, sare northeastern region ki, abhi Bishta ji kahte the ki Gorkha bhaiyon ko idhar aake, idhar jab aate hain, un logon ko kafi tarah attachar kiya jata hai, un logon ko upar बड़ी संख्या में टॉन्टिंग किया जाता है, छेड़छाड़ किया जाते हैं, इस विषय को वो आपको आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं बंगाल के बारे में कहना चाहते हैं कि बंगाल में ये जो हमारे तृणमूल पार्टी के लोग कहते थे कि जंगल महल में सब कुछ सुधर गए हैं, जंगल महल में जो माओइस्ट थे वो माओइस्ट अभी तृणमूल में शामिल हो गए, सब कुछ सुधर गए। जय हिंद। झारखंड के बारे में बताना चाहिए ना।